आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं रिपोर्ट सॉरी एडवांस एक्सेल पेस्ट स्पेशल में हम बात करेंगे सबसे पहले कैलकुलेशंस की। जैसे कि हमने कल बताया था आपको कि मैंने यहाँ पे 20 लिखा और यहाँ पे 30 लिखा। अब हम 20 को कॉपी करके 30 के ऊपर हम पेस्ट करते हैं, एक क्या होता है रिप्लेस हो जाता है। ओके रिप्लेस हो जाएगा जो नॉर्मल कॉपी पेस्ट होता है वो। क्या हुआ हैंग क्यों हो रहा है इतना पीस? अच्छा पावर भी एक वजह से। लेकिन अगर आप पेस्ट स्पेशल में ऑपरेशन को सिलेक्ट करते हैं तो उन दोनों के बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है। हमें उसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को एक्सप्लेन करना है आपको कि आखिर उसका बेनिफिट क्या है, यूज क्या है वगैरह वगैरह। एक मिनट दे दीजिए, मैं पावर बीआई बंद कर देता हूं। पावर बीआई की वजह से थोड़ा सिस्टम हैंग हो रहा है। तो हमने बताया था आपको लास्ट क्लास में कि राइट क्लिक किया। अजीम जी मेरी आवाज आ रही है आपको? तो मर नहीं जाएगा। आ रही आपकी आवाज। इसमें पेस्ट स्पेशल में हम यहां पे अगर ऐड करते हैं तो इन दोनों के बीच में कैलकुलेशनों का 50 आ जाता है। तो बेसिकली इसका बेनिफिट क्या है, चलिए इन बेनिफिट के बारे में बताता हूं। लेकिन उससे पहले हम एक्सेल में परसेंटेज के बारे में आपको समझाते हैं कि एक्सेल में परसेंटेज का क्या रोल है। जैसे मुझे यहाँ 20% लिखना है तो 20 और परसेंट का सिंबल मैं दे दूंगा तो 20% आ जाएगा। लेकिन अगर आपने 20 को टाइप करके एंटर प्रेस कर दिया उसके बाद हम यहाँ सिंबल जो होता है होम मेनू बार में वो डालते हैं कि आपको 2000% आता है। क्यों? क्योंकि एक्सेल में 1 = 100% होता है। जी हाँ, 1 = 100%। राइट? मतलब कि अगर मुझे बाद में परसेंटेज लगाना है तो मुझे 20 = 20 करना है। क्या बोलना है? जी क्लास शुरू हुआ है अभी। हमने 20 लिख दिया, 0.20 लिखने के बाद इस पे हम परसेंटेज का सिंबल देंगे तो परसेंटेज का सिंबल आ जाएगा। अब इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम होती थी, क्या है कि मेरे एक कलीग थे जो मुझे आप परसेंटेज का ऊपर एक हेडिंग दे देते थे और हमें कुछ डेटा भेजते थे परसेंटेज करने का। मतलब है अजीम जी प्लीज म्यूट कर दे, बैकग्राउंड से शोर आ रहा है आपका। हमने इसको कॉपी किया और यहां पे वैल्यू पेस्ट कर दिया। मुझे यहां पे जो डेटा आपको दिख रहा है वो 78.84 लेकिन एक्चुअली परसेंटेज है, मतलब कि 78%। अब मुझे इसको अपने किसी कलीग को या अपने किसी मित्र को मुझे डेटा भेजना है या फिर मुझे अपने अपने सिस्टम में यूज करना है, लेकिन वहां पे 78 नंबर फॉर्मेट में नहीं है, 78% फॉर्मेट में। क्योंकि अगर 78 नंबर फॉर्मेट में है तो मेरे सिस्टम में 78000% हो जाएगा ना, सॉरी 7800% हो जाएगा। तो मेरे पास दो रास्ते हैं, एक तो है कि मैं इसमें परसेंटेज का एक एक करके सिंबल लगाते चल जाऊं इस तरह से, लेकिन ये तो काफी लेंदी होगा क्योंकि अभी तो डेटा 3-4 कॉलम पे है, लेकिन अपने पास हो सकता है डेटा बड़ा हो। तो दूसरा रास्ता है कि हम किसी एक सेल पे 100 को टाइप करेंगे, फिर उसको कॉपी करेंगे और पूरे सीट को डेटा को सिलेक्ट करके राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और इसमें आपका आता है डिवाइड, हर नंबर को हम 100 से डिवाइड कर देंगे।
जब 100 से डिवाइड होगा तो 78 बन जाएगा 0.78, उस पे हम इजीली परसेंटेज अप्लाई कर। मैं दोबारा मैं आपको बताता हूं कि मैंने क्या किया। हमने पहले किसी सेल पे 100 को टाइप किया, उस 100 को कॉपी किया और पूरे सीट को सिलेक्ट कर लिया, फिर राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और पेस्ट स्पेशल में हमने लिया डिवाइड। पेस्ट स्पेशल में क्या लिया, डिवाइड लिया एंड इसको ओके कर देते हैं और फिर परसेंटेज का हम सिंबल लगा देते हैं तो 78 जो है वो 78% हो जाएगा। समझ में आ गया सबको, किसी को डाउट तो नहीं है इस पे? नहीं, परसेंटेज ऊपर से हम ऐसे किसी ने 1000 परसेंटेज ना हो जाएगा आपका। अभी ने समझाया क्योंकि 100%। अजीम जी बाहर आ जाइए, अब पढ़ाई करते समय टीवी के पास बैठ के पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब अगला ऑप्शन आता है कि अगर मान लीजिए कि चलो मैंने इसको कॉपी सिलेक्ट किया, कॉपी किया और इसको राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में हमने इसको परसेंटेज कर दिया, राइट कर दिया, लेकिन आफ्टर दैट मुझे वापस इसको नॉर्मल करना है तो कैसे करें? सबसे पहले तो इसकी परसेंटेज की सिंबल को हटा देते हैं, इसको हम जनरल कर देते हैं, फिर 100 को कॉपी करेंगे और डिवाइड का ऑपोजिट क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, वो आपस नॉर्मल हो जाएगा। इसका और एग्जांपल देखना है तो मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मेरे पास नेम है और यहाँ पे मान लीजिए पर्सन के नेम में दे देता हूं और यहाँ पे मान लीजिए मेरा प्रोडक्ट्स है, ये प्रोडक्ट की सेल है और मुझे हर प्रोडक्ट का अलग अलग टारगेट मिला हुआ है। इसको कॉपी करके वैल्यू कर देता हूं ताकि इसकी फॉर्मूला रिमूव हो जाए। अब मुझे इसमें आप मुझे कहीं रिपोर्ट भेजना है, उनका कहना है कि मुझे फिगर से कोई मतलब नहीं, कि पूजा ने प्रोडक्ट वन को 28 सेल किया है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे आप बताइए कि इसने अपना टारगेट का कितना परसेंट अचीव किया है। टारगेट कितना है, 71। तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे 28 डिवाइड बाय 71, फिर इसका परसेंटेज निकलेगा कि 39% या 40% सेल उन्होंने अचीव किया है। देन प्रोडक्ट टू में 41 टारगेट है, 50 सेल किया है, प्रोडक्ट 32 में टारगेट 50 सेल, हर किसी का टारगेट अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे कि पूरी की पूरी टेबल को कॉपी करेंगे और इसके ऊपर राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और इसमें हम यहां डिवाइड कर देते हैं। जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 71 28 को डिवाइड करेगा, 48 50 को डिवाइड करेगा, 56 30 को डिवाइड करेगा, जो सीक्वेंस इसका है सेम सीक्वेंस से डिवाइडिंग भी करेगा। आपको एक से मल्टीपल्स कर सकते हैं, मल्टीपल टू मल्टीपल भी कर सकते हैं, परसेंटेज सिंबल लगाइए आपके पास आ जाएगा। अब मान लीजिए कि अगर आपका ये जो नंबर है किसी फॉर्मूले से आया हुआ है और आप फॉर्मूले को ओवरराइट नहीं करना चाहते, जैसे कि मान लीजिए कि रैंड बिटवीन फॉर्मूले या कोई और फॉर्मूला जो होते हैं ऑफिस में लगा हुआ उससे आया हुआ, मैं 78 से डिवाइड तो करना है लेकिन मुझे इसके अंदर जाके इसको ब्रैकेट में रख के फिर इसको डिवाइड बाय 70 करना है, तो आप पेस्ट स्पेशल में अगर ऑपरेशन यूज करते हैं तो एक काम भी आपका वो कर देगा, पेस्ट स्पेशल और फिर इसमें मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो ये फॉर्मूला को रिमूव किए बगैर डिवाइड करेगा। देखिए ऊपर फॉर्मूला, इसके और भी यूजेस हो सकते हैं, इसके बारे में आप अपने एंड से रिसर्च कीजिएगा। ओके, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगले टॉपिक में जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कुछ लिस्ट है, नंबर ऑफ लिस्ट है और ये लिस्ट बड़ा भी हो सकता है,
अब क्या हुआ कि इस लिस्ट में से मुझे कुछ चेंजिंग हुए हैं, तो मैंने अपने टीम को बोला कि भाई इसको एक बार क्रॉस चेक करना कि इसमें एरर तो नहीं है। तो जैसे कि इसने देखा कि 23 नहीं, यहाँ पे 32 होना चाहिए, एरर आ गया, तो इन्होंने चेंज कर दिया। लेकिन मेरे टीम ने चेंज नहीं किया, मेरे टीम ने इसके आगे 32 लिख दिया, यहाँ पे 83 था, यहाँ पे 70 था, यहाँ में 69 था। इस तरह से उसने मुझे कई सारे अपडेट इसमें दे दिया। अब मुझे इसको अपडेट करना है। जो ब्लाइंड था वो एक ठीक है, राइट है, करेक्ट है, और जो जिसके सामने वैल्यू लिखा हुआ है वो करेक्ट आंसर है, उसको अपडेट करना है। तो मैनुअल करे तो मुझे इसको कॉपी करके फिर इसके ऊपर पेस्ट करना हो, इसको कॉपी करे और फिर इसके ऊपर पेस्ट करना करे और फिर इसके ऊपर पेस्ट करना। तो एक एक करके करेंगे, हजारों की संख्या में डेटा है तो काफी टाइम लगेगा, तो आप पूरे कॉलम को कॉपी कर लें। लेकिन अगर डायरेक्ट पेस्ट कर देंगे तो क्या होगा, ये आपकी ब्लैंक वाला रिप्लेस हो जाएगी जो कि गलत हो जाएगा। हमें वही पेस्ट करना है जिसमें वैल्यू है, मतलब कि हमें ब्लैंक्स को स्किप करना है। तो राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में हमने यहां पर दिया स्किप ब्लैंक, स्किप ब्लैंक एंड ओके, राइट। दोबारा बताया सर, हमने डेटा को कॉपी कर लिया, फिर जहां पेस्ट करना उस पे गया, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और इसमें हमने बोला स्किप ब्लैंक और हमने उसको ओके कर दिया। तो इसने उसी को पेस्ट के अंदर रखा जो जिसमें नंबर्स था, जो फिगर ब्लैंक था, जो सेल एरिया ब्लैंक था, उसने पेस्ट से इसको बाहर कर दिया। इससे हमारा वही डेटा पेस्ट हुआ जो यहाँ पे हमारा नॉर्मल था, मतलब कि डेटा था जिसमें। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं इससे। अब इससे आगे हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट की। अगर डेटा कोई वर्टिकल में है, जैसे कि वर्टिकल डेटा है, तो इसको कॉपी करके आप इसको हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं पेस्ट स्पेशल में। फिर आप ट्रांसपोर्ट वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल एंड हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल। इसमें एक नया टॉपिक आता है पेस्ट एज ए लिंक। अब पेस्ट एज ए लिंक क्या करता है, चलिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे कि आपका डेटा है, अब मुझे सेम डेटा का लिंक चाहिए किसी और सीट पे। जैसे मान लीजिए मैं यहां चाहता हूं, मैं यहां चेंज करूं तो ऑटोमेटिक वहां चेंज हो जाए। तो जनरली क्या करते हैं, इक्वल प्रेस करते हैं और हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर इसको अपने हिसाब से हम ड्रैग करते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से इसको ड्रैग करते हैं। बड़े डेटा में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ऐसा करने में। तो क्या करें कि मान लीजिए मुझसे सर दोबारा समझाए बराबर टेबल कैसे आएगी पेस्ट करने के बाद। इक्वल टू पेस्ट हमने कहा किया, हमने इक्वल टू ड्रैग किया और इसको हमने क्लिक कर दिया, ये बना गया, इसको क्लिक करते एंटर प्रेस किया, इसका वैल्यू आ गया A1 की और इसको हमने ड्रैग कर दिया डाउन आ गया। ठीक ठीक ओके। लेकिन ऐसे ड्रैग करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। मान लीजिए मुझे इसमें टोटल है P1 चाहिए, P4 चाहिए, P6 चाहिए, तीन चार चाहिए, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे एंड कंट्रोल प्रेस करके इसको सेलेक्ट करेंगे, जो जो चाहिए हम कंट्रोल प्रेस करके हम सेलेक्ट करेंगे, फिर हम इसको कॉपी करेंगे और इसको जहां चाहिए वहां पेस्ट स्पेशल में
एज ए लिंक कर दें। तो पेस्ट एज ए लिंक क्या करता है कि जो डेटा आपने कॉपी किया है उसका लिंक क्रिएट कर देता है। क्या हुआ कि अगर वो कहीं अपडेट होता है तो वो भी एंटर प्रेस करते अपडेट हो जाएगा। तो सेम सीट अनोदर सीट एंड अनोदर फाइल पे भी सेम तरीके से किया जाता है। ओके इसका यूज क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने रिपोर्ट्स बनाई हुई है, आपके 8-10 टेबल्स की रिपोर्ट्स है, तो कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन होगा, कुछ ऐसा डेटा होगा होगा या ऐसा कोई डेट्स होगा जो हर सिस्टम हर सीट पे सेम होगा। तो आपको अगर मान लीजिए कि कल की रिपोर्ट बनानी है तो हर सिस्टम हर सीट पे आपको चेंज करना पड़ेगा, तो वहां पे आप एक दूसरे से लिंक कर दें, सिर्फ पहले वाले सीट को चेंज करें, बाकी अपने आप चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए आप पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके बात करते हैं पेस्ट एज ए पिक्चर्स की। कभी कभी क्या होता है, जैसे भी आपने देखा कि हमने इसको डबल क्लिक करके, अभी हमारा एक कॉलम बड़ा था तो हमने पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया और यहाँ राइट में कॉर्नर पे डबल क्लिक कर दिया, तो ये अपने हिसाब से ऑटो फिट हो गया, छोटा छोटा हो गया। लेकिन हो सकता है कि इसके नीचे भी बहुत बड़ा डेटा हो, तो छोटा करने में दिक्कत होगा ना। तो जब हम डैशबोर्ड्स वगैरह बनाते हैं या रिपोर्ट्स बनाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि एक छोटे डेटा को बड़े डेटा पे या बड़े को छोटे डेटा पे दिखाना पड़ता है, तो उसमें दिक्कत हो जाती है। तो हम डेटा को किसी कहीं पे और रखते हैं और फिर उसको हम यहाँ पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए पिक्चर कर देते हैं। यहाँ देखिए क्या होता है कि एक जेपीजी कन्वर्ट हो जाता है। आप इसको अपने हिसाब से बड़ा कर लीजिए या छोटा कर लीजिए या रोटेट कर लीजिए, लेकिन एक दूसरे से लिंक नहीं है और इसको उठा के कहीं भी रख सकते हैं, कट करके आप कहीं भी ले जाइए, किसी भी सीट पे किसी भी फाइल पे इसको मूव कर सकते। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि आपको ये जो है लिंक नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि 80 की जगह पे मैं 70 करता हूं तो मेरा डेटा अपडेट नहीं होगा। लेकिन आप चाहते हैं कि मेरा डेटा भी अपडेट हो, तो क्या करेंगे, हम इसको कॉपी करेंगे और फिर यहां पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक, लास्ट में दिख रहा है आपको पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक, उस पर क्लिक कर दिया। ऐसा करने से क्या हो गया कि आपस में लिंक हो गया। जैसे मैं यहाँ पे 80 करूंगा, एंटर प्रेस करते 80 हो जाएगा। यहां तक कि अगर मैं कोई कलर चेंज करता हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे मान लीजिए कि कलर चेंज किया, तो यहाँ भी ये हमारा कलर चेंज हो जाएगा। सर ये एक्सेल कौन सा है, जो 2007 का एमएस ऑफिस जो होता है वो वाला एक्सेल है, ये दूसरा वर्जन है? ये ऑफिस 365 लेटेस्ट वर्जन है, बट ये 2007 में भी सेम फीचर है। कौन सा वाला? ऑफिस 365 है। 365 न्यू है, लेटेस्ट, बट 2007 में सेम फीचर है। दूसरी चीज होती है कि जो हमने पिक्चर लिंक वाला जो ऑप्शन दिया, ये सिर्फ एक्सेल पे नहीं, अदर एप्लीकेशन जैसे कि पावर पॉइंट हो गया, मैं एक बार पावर पॉइंट खोलता हूं। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोगों की रिपोर्ट जो होती है वो पावर पॉइंट में बनती है, तो पावर पॉइंट भी क्या होता है प्रॉब्लम इनकी कि उनको कॉपी पेस्ट बार बार करना पड़ता है। अगर एक्सेल फाइल हमारा सेम है तो बार बार पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्च क्यों नहीं हो रहा? ऐसे ही अगर हम आउटलुक में मेल करते हैं तो इसका यूज हम आउटलुक में भी कर सकते हैं। मैं साथ में आउटलुक में भी दिखाऊंगा आपको। अब पावर पॉइंट में या एमएस वर्ड में कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। आपको दोनों सेम फीचर्स है।
जैसे आपको जहां पेस्ट करना है वहां पे आइए और पेस्ट स्पेशल, और यहां पे पेस्ट एज ए लिंक दिखेगा और उसको सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए, ये पेस्ट हो गया। अब एक्सेल फाइल पे आप कुछ भी चेंज करते हैं, जैसे मैंने यहां पे कुछ कलर चेंज कर दिया मान लीजिए, तो आप देखिए यहां आपका पीपीटी पे भी चेंज हो गया। अगर माई चांस कभी चेंज नहीं हुआ तो राइट क्लिक करके इस पे अपडेट लिंक कर देना है बस, ये कभी कभी ऐसा होता है। ऐसे आप एमएस वर्ड पे भी कर सकते हैं और यहां आप इसको पिक्चर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें हम आउटलुक पे क्या करेंगे, हम ऐसा थोड़ी है कि हम मान लीजिए किसी को मेल किए और मेल पे हमने इसको पेस्ट लिंक कर दिए और जैसे ही मैं यहां चेंज करूंगा वो पर्सन के मेल में भी चेंज हो जाए, ऐसे ये चीज नहीं होगा। लेकिन इसका एक यूज हम करते थे, क्या था कि हमें एक डेटा थी हमारी, वो फॉर्मली और बाकी चीजों से अपडेट होती थी। तो जब हम सेल्स जब हमारा सेल्स का डेटा था, जब हमारा वीकेंड मंथ एंड आता था 25, 26, 27, 27 में, तो हमारे सेल्स ऑफिसर हर आधे घंटे पे, एक घंटे पे, डेढ़ घंटे पे मुझसे वो सेल्स अपडेट मांगते थे कि बताओ सेल्स अपडेट क्या है। तो हमें उस सेल्स अपडेट को मेल बॉडी पे पेस्ट करके भेजना होता था। तो हर बार मुझे मेल कंपोज करके कॉपी पेस्ट और सारी चीजें करनी पड़ती। कैसे करते थे, हम जाते थे न्यू मेल में, देख लीजिए आप लोग भी देख लीजिए, हम यहाँ टू जैसे कि हम कोई किसी जिसको मेल भेजना है उसका हम आईडी डाल दिए, सीसी में किसी को भेजना है तो सीसी में हम डाल देते हैं, इसकी सब्जेक्ट लाइन सेल्स अपडेट और डाल दीजिए इसमें जो डालते हैं कि डियर सर और जो भी डालना डाल दीजिए। अब इसके बीच में हम अपने एक्सेल से हमने इसको कॉपी किया और इस पे आए और इसमें पेस्ट स्पेशल में पेस्ट जे लिंक में माइक्रोसॉफ्ट ऑब्जेक्ट लेके ओके कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि अब मैं सेंड कर दूंगा तो वहां चेंज हो जाएगा, नहीं एक कभी नहीं होगा। लेकिन इसका एक तरीका था, हम लोग क्या करते थे कि इसको फाइल को सेव एज कर लेते थे, आउटलुक वाली फाइल को सेव एज कर लेते थे, किसमें टेम्पलेट, टेम्पलेट में मान लिया हमने डेस्कटॉप पे ही कर लिया। अब मैं इसको सेंड कर दूंगा कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए आधे एक घंटे बाद या अगले दिन मेरा सेल्स का अपडेट चेंज हुआ, मैंने मान लीजिए कलर ही चेंज कर देता हूँ, सेल्स अपडेट चेंज, तो मुझे फिर से वापस मेल कंपोज नहीं करना है, हमने जो टेम्पलेट यहां दे रखी थी इसी पे डबल क्लिक करना है, यस करना है। आप देखेंगे कि आपका अपडेटेड सेल्स यहां पे आ गया, सब कुछ रेडी है, बस आपको सेंड पे क्लिक कर देना है। फिर अगर एक घंटे बाद, दो घंटे बाद, तीन घंटे बाद आपका डेटा चेंज हुआ, एक बार सर ये दोबारा बता दो, कुछ नहीं करना है सर, आपको मेल कंपोज कर लेना है, सब कुछ इसमें डाल देना है और फाइल यहाँ पे पेस्ट करते समय, जैसे यहाँ पे मेल बनाया ना हमने, मेल बॉडी देखिए मेल बनाया, सब कुछ बनाना है और ये जो हम डेटा है इसको हमने नॉर्मल कॉपी पेस्ट नहीं किया, हमने इसको पेस्ट स्पेशल में पेस्ट लिंक किया है, समझे। हाँ
कहां से? यहां पेस्ट के बगल में ऑप्शन होता है पेस्ट स्पेशल और पेस्ट एज ए लिंक, और हमने इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सेलेक्ट कर लिया और इस फाइल को सेव कर देना है, सेव एज कर देना है एक्सेल टेम्पलेट, एक्सेल टेम्पलेट में। ये जरूर कीजिएगा सर, एक्सेल टेम्पलेट में सेव कर दिया तो नेक्स्ट टाइम आपका हर मिलेगा। इसको ट्राई कीजिएगा, लेकिन ये फीचर सिर्फ आउटलुक में ही है। ओके, अब इसमें छोटे मोटे चीज है जैसे कि फॉर्मेट पे एंटर, आप फॉर्मेट पर क्लिक करके कहीं पे क्लिक करेंगे तो सेम पेंट हो जाएगा, बट इस पर डबल क्लिक करेंगे तो जहां मर्जी चाहेंगे वहां आपका पेस्ट हो जाएगा। तो यहां पे हमने क्लिपबोर्ड वाला ऑप्शन पेस्ट स्पेशल अपना होम मेनू बार की पहली मेनू बार की, क्योंकि फाइल में तो नॉर्मल है सेव सेव में पकड़ा था, तो होम मेनू बार की पहली ग्रुप को क्लिपबोर्ड मतलब कि कॉपी पेस्ट और पेस्ट स्पेशल हमने यहां पे खत्म किया। अब इसकी अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए, कल हम बात करेंगे फॉर्मेटिंग के बारे में, जैसे कि नंबर फॉर्मेटिंग, अलाइनमेंट फॉर्मेटिंग, कस्टम फॉर्मेटिंग, इन सबों के बारे में हम कल आपके साथ डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस करते समय कोई डाउट या क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ओके ओके।